Hello everyone, welcome to Momentum IS Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover sovereign gold bond. Now, हमने sovereign gold bond को अपने 19th December daily news decoding, जो कि हमारा current affairs daily का current affairs edition जो PDF format में भी release through our website, उसमें हमने इसके बारे में पूरा बताया है. And this is all about कि हम इस चीज़ को video format में भी ला रहे हैं. Apart from this, this session will have something a little bit more extra. ये session थोड़ा लंबा लग सकता है, but it will help you to ensure that कि आप अपने prelims based module में अपनी जो train अपनी value आनी चाहिए, trained values आनी चाहिए, उसको आप अब थोड़ा सा reignite या ignite करना start कर दें. So this is what is this session about. So, इस सेशन में मेनली ये क्यों न्यूज में आया, सबसे पहली बात तो कि कल के न्यूज़पेपर में ये ऑलरेडी रिलीज हुआ है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम का जो थर्ड ट्रांच है उसे रिलीज किया जाएगा, दैट टू फ्रॉम 19 दिसंबर ओनली. सो इस सेशन को हम लोग कवर करेंगे मेनली टोटल 12 डायमेंशन से. सबसे पहले कि पहली चीज ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है. Now mainly sovereign gold bond is something जिसे आप कह सकते हैं कि जो आपका gold जो आपका physical format में होता है, जो आप beat gold का chain हो गया या gold का कुछ भी एक item हो गया जो आप physical format में हो सकता है, उस चीज़ को आप monetary format में आप लाते हो. monetary format in the sense मान लीजिए कि आपने जो gold bond खरीदा, सरकार उस चीज़ को क्या करेगा, ऐसा physical format की जगह वो ये try करेगी कि उसे ऐसा बॉन्ड एक डेप्ट की तरह कंसिडर करे, एंड एक टाइम बाद जब वो मेजोरिटी प्रोफाइल को वो कर जाए तो वो आपको उसका उससे रिलेटेड पैसा भी वापस कर दे. किस बेसिस पे पैसा वापस करे, जो मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड होगा उसके बेसिस पे. तो जिस आइटम पे मान लीजिए ये कोई एक सबसेट है, एक सब्जेक्ट है, इस चीज को अगर वो सेल कर रही है तो इसको अगर सेल करने का जो भी मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड होगा उस बेसिस पे इसे सेल किया जाएगा, एंड उसी बेसिस पे इसे बाय भी किया जाएगा. सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक तरह से कहीं ना कहीं आपको एक ये सेंस दे सकता है कि आप गोल्ड का पोजीशन रखते हैं अपने पास. नाउ दिस गोल्ड अगर कंसिडरिंग हम इसे बॉन्ड कह रहे हैं, दैट मींस ये अपने आप में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है. Considering it is a sovereign gold bond, तो एक government based security, यानी एक आपको एक interest rate इसका इसके ऊपर मिलेगा, जो क्योंकि आप government को एक debt के format में एक amount दे रहे हो जिसका एक interest rate paid होना चाहिए. Sovereign gold bond then यानी कि आपको एक sense ये भी दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा physical format of gold का position है in monetary form. तो ये कुछ बेसिक डायमेंशन है जिस पे आप बात कर सकते हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें, द सेकेंड डायमेंशन इज द रिस्क इन्वॉल्व. क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें? द ओनली थिंग विच कैन हैपन इज दैट अगर देखा जाए तो वो ये हो सकता है कि अगर मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड एकदम से क्रैश कर जाए या बहुत ज्यादा नीचे चला जाए. नाउ मैं थोड़ा सा रिसर्च भी कर रहा था, जब मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था मैंने थोड़ा सा ये भी देखा कि गोल्ड की व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ गोल्ड एट दिस करेंट ट्रेंड. तो वी विल फाइंड दैट समथिंग इट इज समवेयर अराउंड 56K है फॉर 10 ग्राम ऑफ गोल्ड का. तो उस अकॉर्डिंग बेसिस पे देखा जाए, जिस हिसाब से स्टेबिलिटी करेंटली है मार्केट में, ये कहीं ना कहीं जो भी मेच्योरिटी प्रोफाइल तक जहाँ जब तक ये ओवर होगा तब तक के लिए इट विल बी फाइन. सो समथिंग ऐसा कुछ है नहीं, बट यस इकोनॉमिक टर्म्स में अगर बोले तो रिस्क एक इन्वॉल्व है कि अगर मार्केट प्राइस ऑफ गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे कोलैप्स कर जाए, क्रैश हो जाए उस बेसिस पे. सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो. नेक्स्ट इज दैट कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यानी हु ऑल कैन बाय दिस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. सॉरी, सो मेनली आपको ये पता होना चाहिए वो हर उस इंडिविजुअल को मिल सकता है
who are eligible under FEMA Act, यानी Foreign Exchange Maintenance and Management Act, जो भी होता है 1999 का, FEMA Act के अंडर होता है. एंड इसके बेसिस पे इंडिविजुअल को मिल सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल सकती है, आपके ट्रस्ट को मिल सकता है, यूनिवर्सिटीज भी वो कर सकती है. तो इस बेसिस पे हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स जिनको ये अवेलेबल है. नाउ अगर इसी बेसिस पे देखा जाए तो एलिजिबिलिटी के बेसिस पे हम ये भी देखेंगे कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट हो सकता है. क्या है यानी कि एक लोअर कैप एंड अपर कैप क्या दोनों इन्वॉल्व है? जी हाँ. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के बेसिस पे अगर देखा जाए तो देर इज अ मिनिमम कैप अवेलेबल एंड देर इज अ मैक्सिमम कैप अवेलेबल. मिनिमम कैप इज कि आप 1 ग्राम तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा. बट जो मैक्सिमम कैप है, वट एवर इज अ मैक्सिमम कैप, इट इज डिफरेंट फॉर ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज. वॉट इज दिस मैक्सिमम फॉर इंडिविजुअल? इट इज 4 kg. फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इट इज अगेन 4 kg. एंड फॉर ट्रस्ट एंड यूनिवर्सिटीज एंड अदर एंटिटीज इट इज 20 kg. सो अगर आप ये सोचे कि आप एक इंडिविजुअल है और एक फैमिली मेंबर के हिसाब से अगर आप 4 kg लेते हो और आप सोच रहे कि आपके वाइफ या आपके हस्बैंड दे ऑल्सो कैन टेक द 4 kg ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, देन इट इज नॉट एलिजिबल. यू आर नॉट एलिजिबल वंस यू हैव टेकन एंड कंसिडरिंग यू आर देर इज अ पार्ट ऑफ फैमिली मेंबर इन टर्म्स ऑफ अगर हिंदी डिवाइडेड अनडिवाइडेड फैमिली के बेसिस पे देखा जाए तब इट वोंट बी अवेलेबल और इट वोंट बी एप्लीकेबल. सो दीज आर द सम ऑफ द 4 indicators ऑन विच आई टॉक्ड अबाउट. नेक्स्ट इज दैट 1 investor ID. Now what is this 1 investor ID? Now आपको जब भी आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे या जो भी होगा उसके बेसिस पर आपको एक इन्वेस्टर आईडी मिलेगी. कैसे मिलती है? आप पैन कार्ड या KYC जब भी करा तो उस बेसिस पे आपको प्रोवाइड होगा. अब आपने अगर इसी के बेसिस पर कहा कि यू वॉन्ट 1 more investor ID एंड यू वॉन्ट टू गेट सम मोर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, मीन्स 4 kg का कैप क्रॉस हो चुका हो, या फिर आपने 2 kg लिया और आप चाहते हो कि एक दूसरे इन्वेस्टर आईडी से यू वॉन्ट टू हैव 2 kg ऑफ गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम अदर इन्वेस्टर आईडी, सो इज दैट अलाउड? नो. वंस यू हैव टेकन 1 investor ID यू हैव टू टेक इट फ्रॉम दैट ओनली एंड वट एवर द कैप हैज बीन प्रोवाइडेड. सो दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट यू नीड टू नो रिलेटेड टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड. मूविंग अहेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटरेस्ट रेट. क्या होता है ये इंटरेस्ट रेट? सो मेनली ये जो इंटरेस्ट रेट होता है फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इट इज अ फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट एंड इट इज नॉट अ फ्लोटिंग वन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से इट विल बी चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. दिस फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट इज 2.5% एंड वन मोर थिंग इज दैट कि ये जो इंटरेस्ट रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम जो आपको क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में फ्रॉम द टाइम यू आपने इसको खरीद जब से लिया है, इट विल बी सेमी एनुअली. मीन्स फॉर एवरी 6 months, हर 6 महीने में जो भी आपका इंटरेस्ट अमाउंट बनता है वो आपको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर जाएगा जो आपने सब्सक्रिप्शन पीरियड के जस्ट पहले द टाइम एट विच यू हैव बॉट दोज बॉन्ड्स द बैंक अकाउंट विच यू हैव मेंशनड अकॉर्डिंगली दैट इंटरेस्ट अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड. बट ऑन द मेच्योरिटी डेट द लास्ट इंटरेस्ट रेट विच वॉज पेंडिंग, जो लास्ट इंटरेस्ट रेट जो पेंडिंग होगा वो भी प्रोवाइड करा जाएगा अपार्ट अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल अमाउंट, उसी के साथ साथ उस बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा. एंड वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि वॉट इज द मार्केट प्राइस. नाउ वॉट इज द मार्केट प्राइस? हु डिसाइड्स दिस मार्केट प्राइस? नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इज मार्केट प्राइस डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या ये मार्केट प्राइस जो गोल्ड का है, अगर देखा जाए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इश्यू कौन करता है?
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसके बिहाफ में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगेन आई एम सेइंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम विच एवर इट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गोल्ड इज नॉट फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट इज फिक्स्ड बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स लिमिटेड. Now, how they fix this? How this organization fix this amount? ये इस basis पे होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये 19 December को 2022 को ये start हुआ. That means this is what is the subscription date. जब से ये start हो रहा है, subscription start date. So what they do? They go back 1 week behind. आपको एक वीक पीछे जाना पड़ेगा ऑफ द लास्ट 3 बिजनेस डेज. यानी कि अगर हम देखें 19 दिसंबर इज मंडे, 18th इज संडे, 17th इज सैटरडे. अगर बिजनेस डे के हिसाब से डे मान ले, अगर ये मान ले कि मार्केट के बेसिस पे हम सैटरडे तक कुछ नहीं होता, बिजनेस सैटरडे इज नॉट अ बिजनेस डे, दैट मींस 14th, 15th and 16th December 2022 को इन 3 दिन में जो मार्केट प्राइस रहा होगा गोल्ड का, उसका एवरेज जो रहेगा वो होगा मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड. रिमेंबर दिस, इट इज फॉर द टाइम ऑफ बाइंग इट, जब व्हेन इंडिविजुअल्स आर बाइंग दीज गोल्ड बॉन्ड्स. बट व्हाट हैपेंस when government has to provide the entire amount, jab wo return karna maturity time pe, what will be happen now, again it will be 1 week behind nahi hoga tab, it will be just 3 days, last 3 business days of before the just before the maturity date. ना अगर मंडे हुआ तो उस अकॉर्डिंग फिर वो 1 week बिहाइंड जा सकता है, बट अगर ये थर्सडे या फ्राइडे होता तो वो 1 week बिहाइंड फिर नहीं जाएगा. तो वी नीड टू रिमेंबर दिस एंटायर डायमेंशन फॉर द मार्केट प्राइस, एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि कौन, हु इज़ द अथॉरिटी हु इज़ डिसाइडिंग दिस मार्केट प्राइस. नाउ नेक्स्ट, which are the banks who can provide these entire thing, bond किसके through individuals ले सकते हैं. सबसे पहले तो public sector banks, then scheduled commercial banks, then आपके post offices, then आपका stock holding corporation of India limited. You can check all these कि मतलब कौन कौन से banks के through होते हैं. We have all provided it in our 19 December current affairs. तो अब ये सारी चीजें देख पाओगे उसमें. Now next is exchange. Exchange in the what? क्या ये tradable है आपका gold bond? जी हाँ, ये ट्रेडेबल है. बट ट्रेडेबल का ग्राउंड भी एक फिक्स किया है उन्होंने. ऐसा कौन सा ग्राउंड है? मेनली ये है कि अगर आपने जब केवाईसी के टाइम पे अगर आपने डीमैट अकाउंट दिया होगा जिसके थ्रू ट्रेडिंग होती है, तभी आप एप्लीकेबल होगे उस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को मतलब ट्रेड करना, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में अगर ट्रेड करना चाहते हो. क्या इसे कोलैटरल की तरह यूज किया सकता है? जी हाँ, इट कैन बी यूज एज अ कोलैटरल. सो लोन अगर आपको लेना है तो उस बेसिस पे भी आप ले सकते हो. कि किसी भी चीज के ऊपर गिविंग इट एज अ कोलैटरल. एंड लास्टली इज दैट कि टेनोर,
नाउ इसका पीरियड क्या होता है? अगर नॉर्मल हम देखें, एक टेनोर जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का होता है वो 8 ईयर्स का होता है, और आप चाहो तो आप 5 साल के बाद निकाल सकते हो। इफ यू वॉन्ट टू विदड्रॉ योर एंटायर इन्वेस्टमेंट, यू कैन विदड्रॉ आफ्टर 5 ईयर्स। रेस्ट अदर्स, इफ यू वॉन्ट टू सी सम मोर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, आरबीआई FAQ सेक्शन, फ्रीक्वेंटली आज सेक्शन में उन्होंने प्रॉपरली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सारे डिटेल्स दिए हैं। सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई एम प्रोवाइडिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो एक प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से निकाल के ही दी गई है, ताकि आपको ये डिटेल सारे वर्टिकल सेक्शन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड पता रहे। नाउ एज आई सेड, वॉट इज एक्स्ट्रा इन दिस सेशन एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर। सो अगर इस क्वेश्चन को देखें, कंसिडरिंग अगर ये प्रीलिम्स बेस्ड ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो इसको टैकल कैसे करें? विथ रेफरेंस टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दीज आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? एज आई स्टेट कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, दीज बॉन्ड्स बियर अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। एज आई सेड, इस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है जो कि है 2.5%। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो incorrect. And lastly, there is no tenor mentioned for the maturity of these bonds. मैंने फिर से वही बात कही कि normally tenor fixed है, 8 years रहती है और 5 years के बाद आप withdraw कर सकते हैं, जो कि हमने last dimension पे ही बात की। That means this statement is also incorrect. So अगर देखा जाए which of the following statements are correct, right answer is option D. So if you want to pause the video, you can check it, check the statements again, and then you can go back and start the question ki matlab kya kya statements sahi the, kya kya incorrect the. वैसे अगर देखा जाए overall way में, अगर आप पहला और दूसरा statement अगर आपको incorrect मिल गया होता तो आप elimination से भी आप बता सकते थे कि हाँ ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर पहला गलत होता that means आपके लिए option A हट जाता, option C हट जाता, एंड अगर ऑप्शन बी भी आपको पता चल गया कि इनकरेक्ट है तो ये भी हट जाएगा। सो दिस इज हाउ एलिमिनेशन शुड कम फ्रॉम टाइम टू टाइम, इफ यू नो द आइडिया, कि एक बेसिक आइडिया पता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ व्हाट इज दिस गिवन इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? These can be used as collaterals and can be used in exchanges, yani tradable hai. And lastly, these bonds are sold through only nationalized or public sector banks. If we go back, you will see I have already written कि इट्स नॉट ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, पोस्ट ऑफिसेज है, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो उस बेसिस पे देखा जाए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सॉरी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नाउ दीज कैन बी यूज एज कोलैटरल्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेबल हैं, जैसा कि मैंने कहा कि डीमैट अकाउंट होगा तो ट्रेडेबल भी होगा। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो राइट आंसर विल बी 1 ओनली। अगेन पॉज द वीडियो, चेक आउट दोस दी स्टेटमेंट्स एंड देन कम बैक टू सी व्हाट इज राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, have a look properly, it is written incorrect. even UPSC does some type such type of things, wo isko thoda ya to bold ya to
इटैलिक में कर देगी ताकि आप थोड़ा सा एस्पेशली ज़्यादा वार्निंग के साथ इस क्वेश्चन को रीड करें। अबाउट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, क्या क्वेश्चन है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड डिनोमिनेशन शुड बी एटलीस्ट 5 grams दिया हुआ यहाँ पे, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ गोल्ड इन इंडियन रूपी इज फिक्स्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो जो पॉइंट मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखना है ताकि आपको ये चीज़ वैल्यू आपके सेट रहे कि कौन कौन से कीवर्ड पे खेलना है या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड मेन है। इंटरेस्ट पेड ओवर द बॉन्ड इज गिवन एनुअली। नाउ मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड शुड बी एटलीस्ट, जो कि आप ले रहे हो वो एटलीस्ट 5 grams होना चाहिए। दिस इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज मिनिमम अमाउंट ऑफ जो गोल्ड बॉन्ड के थ्रू आप ले सकते हो वो क्या होगा? 1 gram। नेक्स्ट, जो नॉमिनल वैल्यू गोल्ड इन इंडियन रुपी जो फिक्स होगी बाय विल बी नॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बल्कि इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स लिमिटेड। एंड लास्टली इंटरेस्ट पेड ओवर बॉन्ड इज गिवन एनुअली, इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इट इज सेमी एनुअली और इन 6 months। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, एंड कंसिडरिंग ये इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर विल बी 1, 2 and 3। अगेन पॉज द वीडियो, चेक आउट द क्वेश्चन एंड देन हैव अ लुक बैक। एंड लास्टली इफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ गोल्ड इन इंडियन रुपी इज सेट INR 5000 पर ग्राम, वॉट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ पॉजिसिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फॉर एन इंडिविजुअल? क्या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है? अगर आप देखो 2020 का यूपीएससी का क्वेश्चन, तो आपको एक चीज पता चलेगा जहां पे आई थिंक सो यूपीएससी नहीं पूछा था कि अगर बैंक से किसी ने 5 lakh rupees निकाल लिया तो वॉट इज द करेंसी इन सर्कुलेशन है इस टाइम पे, या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में कितना अमाउंट निकल गया। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकली मतलब वहाँ पे दे दिया था कि शायद इट रिड्यूसेस बाय 5 lakh या इंक्रीजेस बाय 5 lakh, इस टाइप के ऑप्शंस आ चुके हैं। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली वी आर गोइंग अ लिटिल बिट मोर अहेड कि कंसिडरिंग 5000 rupees दिया है पर ग्राम फॉर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ परचेज क्या हो सकता है? कंसिडरिंग 5000 इज फॉर पर ग्राम एंड मैक्सिमम दैट एन इंडिविजुअल कैन हैव इज 4000 gram और 4 kg। तो 5000 × 4000 अगर करें दिस इज 20,000। इफ वी इंक्रीज 1 more 0 फ्रॉम हियर इट इज 2 lakhs, 1 more 0 20 lakhs एंड 1 more 0, 3 zeros ऐड होंगे तो 2 crore आएगा। यानी 2 crore इज वॉट एन इंडिविजुअल कैन गेट, सॉरी 2 crore इज वॉट एन इंडिविजुअल कैन गेट फ्रॉम दिस एंटायर थिंग। अगेन पॉज द वीडियो, चेक आउट दिस क्वेश्चन एंड देन मूव अहेड। समथिंग अ बिट सॉर्ट ऑफ कह सकते हो सी सैट को भी मैंने लिंक करके आपको ये प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन बताया है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस सेशन, होप यू लाइक्ड इट एंड होप यू लाइक दिस आइडिया ऑफ रिवाइजिंग द थिंग्स। अगर प्रीलिम्स के बेसिस पे देखा जाए कि प्रीलिम्स के बेसिस पे ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, होप यू लाइक दिस एंटायर कॉन्सेप्ट एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर एक्सप्लोरिंग मोर फैसिनेटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। Thank you to all.